हेलो डियर फ्रेंड, आरआरबी जेई 2019 का ये जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 2, और जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, कुछ पार्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े। इसमें हम पढ़ने वाले फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है एल अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब एक वायर ऐसे हुआ है, ठीक है, एक ऐसे वायर है, ठीक है। अभी इसका जो लेंथ है ये एल जो है, ठीक है, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन अगर काट देता ऐसा हो चाहे ऐसा हो, जो जो भी हो, तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया और ये लेंथ जहां तक है, ठीक है, इसके ये रेशियो के प्रोपोर्शन में है। कहने का मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक आ जाता है, जिसको बोला जाता है रजिस्टिविटी। जिसको क्या बोला जाता है, रजिस्टिविटी बोला जाता है। तो आर इक्वल टू रजिस्टिविटी मतलब रो इंटू एल अपन ए। तो किसके किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, एक तो रजिस्टिविटी, उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, और रजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है ओम इंटू मीटर, इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। और ये लेंथ हो गया, क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, एरिया है। ठीक है, एरिया है। तो ये किसके किसके ऊपर डिपेंड है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और फोर ऑप्शन देगा कि इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और एक और दे देगा कि किसके ऊपर रजिस्टिविटी नहीं डिपेंड है, तो वो जो अनदर होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें कोई एक क्वेश्चन और बाकी सब रॉन्ग दे के एक आंसर राइट करके ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो आपने ध्यान रखना कि रजिस्टिविटी, सॉरी रजिस्टर जो होता है, रजिस्टेंस होता है, किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी रजिस्टिविटी, उसके लेंथ और उसके एरिया पे। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब है कि उसके लेंथ और एरिया पे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट, मेटल और एलॉय क्या होता है। ठीक है, ये जो होते हैं मेटल और एलॉय, ये क्या होते हैं, लो रेजिस्टिविटी होते हैं, लो। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी, जिसका क्या होता है, रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 10^-8 से 10^-6 ओम इंटू मीटर होता है। रजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है ओम इंटू मीटर है। ध्यान रखना, कभी कभी यूनिट पूछ लेता है कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, तो ओम इंटू मीटर। और रजिस्टर का यूनिट क्या है, ये जो रजिस्टर है उसका यूनिट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ही पता चल जाएगा रजिस्टर की यूनिट क्या हो जाती है। अगर ये मैं ओम इंटू मीटर बोल रहा हूँ, ये मीटर है, तो मीटर 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 स्क्वायर है, इसका मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ओम। तो रजिस्टर का यूनिट क्या है, ओम। ये भी याद रखने का कि रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, ओम, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, तो ये रजिस्टर के यूनिट हो गए हम। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लीजिए कि एलॉय क्या होता है। अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताने वाला था कि लो रेजिस्टेंस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये जो होते हैं वो जिसके लो रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टेंस जिसका होता है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकने वाला। सिंपल कहने का मतलब है, रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकने वाला, जो रोक रहा हो, करंट फ्लो हो रही है तो उसको रोक रहा हो। ठीक है, और जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मतलब वो करंट को फ्लो होने से ज्यादा रोकता है। ठीक है, इसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, ऑब्वियसली अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा है तो वो हीट होके लाल हो जाएगा, जैसे हीटर होता है हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं एलॉय क्या होता है। एलॉय मतलब दो मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, दो या तीन मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, उसको एलॉय बोला जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली, मतलब ये एलॉय जो होता है उसमें हाई टेम्परेचर होता है बट वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब जंग नहीं लगेंगे। इलेक्ट्रिकली हीटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिकली हीटिंग डिवाइस जैसे आयरन हुआ, हीटर हुआ, ये सब इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में एलॉय जो बना जाता है, एलॉय ऐसे चीजों में होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट का वायर होता है जिसको टंगस्टन बोला जाता है, वो एलॉय होता है। ठीक है, टंगस्टन जो होता है, तंतु जिसको बोला जाता है हिंदी में, और उसका जो होता है 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, MP। जहाँ MP लिखा समझ लेना मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, जहाँ MP लिखा मतलब मध्य प्रदेश में, समझ लेना मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पे लिखा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, इसको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, जो इलेक्ट्रिक वायर के रूप में इसको यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो यहां तक हमने इसको समझा है। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो आपने ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उस सभी को अच्छे तरह से देखना है और अपने फ्रेंड तक भी इसको पहुंचाना है, कि ताकि वो आपके फ्रेंड भी आरआरबी जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी ये बेनिफिट मिल सके।
तो अपने फ्रेंड तक भी शेयर करिए और आप खुद भी प्रैक्टिस करिए कि ताकि आपका जो जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ थियोरी से नॉलेज चाहिए तो ये आप देखते रहिए कि ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब बताया जो एडिशन ने बनाया था, फिर बाद में धीरे धीरे उसको और किया गया, और भी इसके बारे में जो आगे नॉलेज है वो आप तक तो देते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जो उसके बल्ब के अंदर देखते हैं कि वो एकदम स्प्रिंग जैसा बना रहता है, वही टंगस्टन मेटल का बना होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, टंगस्टन का होता है, एलॉय बोल सकते हैं उसको, टंगस्टन होता है जिसको तंतु बोलते हैं, और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक होती है, अप्रोक्सीमेट 3800 समथिंग होती है। तो आपने इतना रेंज याद रखना है, ठीक है, कि ऐसे रेंज में अगर आता है तो आपने मेल्टिंग पॉइंट इतनी होती है याद रखना। मतलब ऑब्वियसली जिसको भी मतलब रेजिस्टेंस मतलब मेल्टिंग पॉइंट उनको ज़्यादा रखना पड़ता है, अगर हीटिंग जिसको ज़्यादा देना रहता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। सो वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।